गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को समझने से पहले हम ये समझें कि विकार का अर्थ होता क्या है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द जो अपने आप को लगातार बदलते रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। अब क्यों बदलते हैं? वो कभी लिंग के कारण, कभी वचन के कारण और कभी काल के कारण अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बोल के बताते हैं, एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, ठीक है। अगर मैंने बोला लड़का पढ़ता है, अगर मैंने इसका लिंग बदल दिया तो उसका क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ती है। या आपकी पुस्तक में नहीं लिखा है बेटा, हम सिर्फ आपको बोल के समझा रहे हैं, ठीक है। उसका हो जाएगा लड़की पढ़ती है। तो हमने देखा कि लड़का ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया लड़की में। वो कौन सा शब्द था? संज्ञा शब्द था, ठीक है। वहां था लड़का पढ़ता है और यहाँ है लड़की पढ़ती है। पढ़ता क्रिया जो थी उसने अपने आप को चेंज कर लिया, यहाँ पे पढ़ता क्रिया हो गई है पढ़ती के रूप में। तो हमने देखा संज्ञा और क्रिया ने अपने आप को यहाँ पर बदल लिया। अब हम लड़का पढ़ता है शब्द को, ये जो वाक्य है पूरा लड़का पढ़ता है, उसे अगर हम वचन बदल दें उसका, तो वो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि संज्ञा और क्रिया ने अपने आप को बदल लिया। तो ऐसे शब्द जो अपने आप को लिंग वचन काल आदि के कारण लगातार बदलते रहते हैं, हम ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं जो लिंग वचन काल आदि के कारण अपने आप को बदल लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को तो हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। लेकिन अब हमें इस पाठ में देखना है कि अविकारी शब्द क्या है। अब अ का अर्थ होता है नहीं और विकारी का अर्थ होता है वही परिवर्तन, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो अपने आप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। बच्चों एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, मैंने लिंग इसका बदल दिया तो फिर से हो गया इस वाक्य का लिंग बदलने पर लड़की प्रतिदिन पढ़ती है। हमने देखा कि संज्ञा और क्रिया ने अपने आप को बदल दिया, लेकिन प्रतिदिन जो है शब्द वो जैसा था वैसे ही है। अगर हम फिर से उस वाक्य का वचन बदल के, जैसे लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, अगर हमने उसका वचन परिवर्तन कर दिया लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं, फिर से हमने देखा कि संज्ञा और क्रिया ने यहाँ अपना रूप बदल लिया, लेकिन प्रतिदिन जो है वो अभी भी उसने अपने आप को स्थिर रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही ऐसे शब्द जो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होने देते लिंग वचन काल आदि के कारण, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। आपके सामने दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। नीचे दो उदाहरण और दिए हुए हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, रीना तेज दौड़ रही है, ठीक है। इन वाक्यों में आए जो रंगीन शब्द हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द घोड़ा और स्त्रीलिंग शब्द रीना, है ना, दोनों में एक समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं। लिंग बदलने पर भी इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं हुआ, अतः ये कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। कहने का अर्थ क्या, आप एक बार फिर से देखिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है और रीना तेज दौड़ रही है। यहाँ पे संज्ञा जो है वो बदल गया है, घोड़ा और रीना बदल गए हैं, लेकिन यहाँ जो ये शब्द है तेज दौड़, इन्होंने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की क्या परिभाषा हो जाएगी उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
यहाँ टिक लगाया हुआ पहले से, आप भी लगा लीजिए। जिन शब्दों में लिंग वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। इसका अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय नाम है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब तो आपने परिभाषा को टिक लगा लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार हमें क्या पढ़ना है कि अविकारी शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये जो चार प्रकार हैं, ये हैं आपके अविकारी शब्द, जिसे आप क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके अव्यय के कितने प्रकार हो गए? चार प्रकार हो गए। अब हम अविकारी शब्द में सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण, अब हमने बेटा विशेषण को तो हम पहले से ही जानते हैं कि विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की ये विशेषता बताता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पर ये विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, तब हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है? क्रिया विशेषण है। देखिए आपके सामने दो उदाहरण है। प्रातः काल सूर्योदय होता है, भीम खूब खाता था, है ना। अब पहले वाले में हम देखें प्रातः काल सूर्योदय होता है, तो प्रातः काल जो है यहाँ पर वो क्रिया के होने का समय बता रहा है कि वो काम जो है वो कब हो रहा है ना, वो कब हो रहा है काम। प्रातः काल मतलब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, सूर्य के उदय होने का काम कब हो रहा है? सुबह प्रातः काल में हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि भीम खूब खाता था, तो अब यहाँ हमें खाने की क्रिया की विशेषता पता चल रही है, क्या कि वो कितना खाता था, उसका मात्रा क्या था, परिमाण पता चल रहा है ना। तो ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा याद करना बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पर क्या दो शब्द जुड़े हुए हैं, पहला क्रिया, दूसरा विशेषण। तो जब विशेषण किसके साथ आ गया? क्रिया के साथ आ गया, यानी कि जब विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। तो यही आपकी परिभाषा भी है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आप कभी भी परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। हम देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, है ना। ये हैं किसके भेद? क्रिया विशेषण के। कितने भेद? चार भेद। कालवाचक, रीतिवाचक, है ना, परिमाणवाचक और स्थानवाचक, ये चार भेद। आइए अब हम लोग समझते हैं क्रिया विशेषण के चार उपप्रकार, यानी कि काल, रीति, परिमाण और स्थानवाचक विशेषण को, है ना, क्रिया विशेषण को। चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, अब देखो बेटा, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्रिया विशेषण तो आप जानते ही हैं क्या होता है। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण। लेकिन इसके साथ ही कालवाचक भी तो जुड़ा हुआ है। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। तो अब जो ये क्रिया शब्द है वो किससे रिलेटेड विशेषता बताएगा? समय से संबंधित विशेषता बताएगा, है ना। अब जैसे देखो, सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर वाक्य में प्रतिदिन शब्द जो है व्यायाम करने का समय बता रहा है, काल बता रहा है। ठीक है, व्यायाम कब करना चाहिए? तो प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पहले भी हमने प्रतिदिन का उपयोग करके आपको दिखाया था ना, लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, तो वो भी वहां पर समय बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, कालवाचक की देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या है। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या किए जाने के काल, समय का बोध कराए, यानी कि पता करें, हमें बताएं, ज्ञान दें, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके और भी उदाहरण है, देख लीजिए।
आज, कल, परसों, अभी, सदा, जब, तब, आदि। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उसी प्रकार से जैसे हमने पिछला परिभाषा समझा, आप देखिए रीति, रीति क्या होता है, ढंग, काम करने का तरीका, है ना। तो जब क्रिया विशेषण शब्द कार्य की रीति के बारे में बताए, ढंग के बारे में बताए, उसी को हम लोग बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, बच्चे कक्षा में चुपचाप बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? चुपचाप बैठे हैं। तो ये बैठना जो है क्रिया है, और कैसे बैठे हुए हैं? चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप। तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या किए जाने के ढंग या रीति का बोध कराए, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और भी शब्द हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक, रोते रोते, हंसते, है ना। ये सारे शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब हम आगे देख लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की क्या विशेषता बताई जाएगी? स्थान की, कि क्रिया हो कहाँ रहा है ना। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। यहाँ दिए गए वाक्य में ऊपर शब्द खेल रहे हैं क्रिया के किए जाने के स्थान बता रहा है कि कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? ऊपर खेल रहे हैं। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी क्या परिभाषा हो गई? जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या किए जाने के स्थान का बोध कराए, उन्हें हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप इसे टिक लगा लीजिए। और भी कुछ उदाहरण है, अंदर, बाहर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सारे किसके उदाहरण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब आपका अंतिम भेद है एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चलिए उसे समझ लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है नापतौल, नापतौल। सलोनी कम खाती है। यहाँ दिए गए वाक्य में कम शब्द खाती है जो है क्रिया की मात्रा बता रहा है कि कितना खाती है, कम खाती है। ये परिमाण इसने बताया, तो ये क्या बन गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो अविकारी शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ इसके और भी उदाहरण है, अधिक, ज्यादा, काफी, खूब, बहुत, इतना, उतना, लगभग, ये सारे जो है किसके उदाहरण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है ना। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं, है ना, और उसके जो भेद हैं, चार भेद हैं, उसमें से आपने क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ी और साथ ही साथ उसके भेदों की भी परिभाषा पढ़ी और समझी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ के समझें, और जो आपको पीडीएफ का काम दिया जाएगा उसे, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।